हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे डीजल मैग्नेटेट से कुछ संबंधित बातें। डीजल फ्यूल की शुद्धता को सीटन नंबर द्वारा व्यक्त की जाती है। टू स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में ज़्यादा शक्ति उत्पन्न करता है। टू स्ट्रोक इंजन के कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में निडल बेयरिंग का उपयोग की जाती है। पेट्रोल इंजन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में शक्ति उत्पन्न होती है। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय मात्र हवा और पेट्रोल का सक्शन होता है, जबकि डीजल इंजन में मात्र हवा जाती है। पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर जो है बर्नौली पर कार्य करता है। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय यह पेट्रोल के मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी से स्पार्क इग्नाइट करके उसका कंबशन किया जाता है। बात करते हैं कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अप डाउन, एक होता है डाउन ड्राफ्ट, अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व की जगह पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ये पोर्ट पिस्टन की चाल से बंद होते हैं और खुलते हैं। इंजन में क्रैंकशाफ्ट का आकार कैमशाफ्ट के आकार से छोटा होता है, इसलिए क्रैंकशाफ्ट की गति का अनुपात कैमशाफ्ट की गति के अनुपात से हमेशा दोगुना होता है। देखिए दोस्तों, कैमशाफ्ट जो क्रैंकशाफ्ट से ऑपरेट होती है, और क्रैंकशाफ्ट जो इंजन का सबसे तेज घूमने वाला पार्ट से क्रैंकशाफ्ट के रियर मतलब पिछले साइड पे ही फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील के ऊपर ही रिंग गियर लगा होता है, जिससे स्टार्टर मोटर द्वारा चालू किया जाता है। कैमशाफ्ट का मुख्य कार्य वाल्व खोलना है, और आधुनिक इंजनों में वेरिएबल वाल्व टाइमिंग का उपयोग हो रहा है। किसी भी इंजन में इनलेट हमेशा बड़ा बनाया जाता है, इससे इंजन की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। वॉल्यूमेट्रिक दक्षता का अर्थ है कि इंजन का वॉल्यूम कितना है और इंजन में कितनी हवा आनी थी का अनुपात वॉल्यूमेट्रिक दक्षता कहलाता है। डीजल इंजन में फ्यूल के दहन के लिए किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे सेल्फ इग्निशन इंजन भी कहते हैं। डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी स्रोत का प्रयोग नहीं किया जाता है। बस इसमें गर्म हवा पर इंजेक्टर द्वारा फ्यूल को स्प्रे किया जाता है, इसलिए इसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। बात करते हैं तो इंजेक्टर हमेशा डीजल इंजन में यूज़ किया जाता है। बैटरी में जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। बैटरी में सभी सेल जो है श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, और बैटरी में पॉजिटिव प्लेटों की संख्या से ज़्यादा नेगेटिव प्लेटों की संख्या हमेशा एक ज़्यादा होती है।